हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल नर्सिंग एकेडमी पर। तो भाई, जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम है सेल। सेल बोले तो कोशिका। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, जो हम सेल की स्टडी करते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। उसको समझते हैं हम कि इसको साइटोलॉजी क्यों कहते हैं। देखो, इसको अपन डिवाइड करते हैं साइटो, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। मतलब जिन भी वर्ड के आगे लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। उसके बाद में उसकी डिस्कवर किसने किया था, इसको इसको डिस्कवर किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि सेल है उसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बॉडी की। क्या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर यूनिट। इसको स्ट्रक्चर यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बॉडी है अपनी ह्यूमन सिस्टम की, उसको सेल बनाती है। वो कैसे बनाती है देखते हैं। तो वो सेल है, वो मिलकर के टिश्यू बनाएगी, ठीक है। टिश्यू मिलकर के बनाएगा अपना एक ऑर्गन, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, लाइक GIT, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में जो बहुत सारे सिस्टम मिलकर के अपनी एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल और है जायगोट, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है, वो भी बाद में रेप्लिकेट मतलब डिवाइड होकर के एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है, उसे फिटस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है सेल का, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो सबसे छोटा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसका, क्लासिफिकेशन ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो सेल है इसको तीन पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है कवरिंग, कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। और दूसरा अपन इसमें देखते हैं पार्ट साइटो प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट देखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में जो कवरिंग होती है सेल की, वो देखते हैं कौन कौन सी कवरिंग होती है। पहली होती है सेल वॉल, दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है जो प्लांट में प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन होती है जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में हम जो साइटोप्लाज्म है उसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्द हाँ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, ठीक है। इसको दूसरा होता है सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट होता है, वो होता है जो सेल इंक्लूजन होते हैं, जो डेड पोर्शन होता है सेल का, लाइक स्टार्च, ठीक है। उसके बाद हम जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसका नाम है एक तो मेम्ब्रेनस, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस, ठीक है। और दूसरा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेनस होता है इसमें, इसको भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंगल बाउंड मतलब सिंगल लेयर वाली होगी, और एक होगी डबल, ठीक है। जो सिंगल लेयर वाली होती है उसमें अपन इंक्लूड करते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। अब जो डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें अपन इंक्लूड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा अपन इसमें इंक्लूड करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद में जो मेम्ब्रेन लेस होती है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें अपन इंक्लूड करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। जो मतलब इनके क्लासिफिकेशन को एक एक करके पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जो आउटर पोर्शन होता है सेल का, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब डबल लेयर से मिलकर बनी होती है, पहली होती है आउटर, ठीक है, दूसरी होती है इनर, ठीक है। और ये मिलकर बनी हुई होती है प्रोटीन, लिपिड और फॉस्फोलिपिड भी होता है इसमें, थोड़ा स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद में हम जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जो डबल लेयर होती है, वो कैसे अरेंज होती है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है वो इस प्रकार अरेंज होती है। जो इसका ये स्ट्रक्चर है इसको हम देखते हैं, ये होता है हेड पोर्शन, ये होता है टेल पोर्शन, ठीक है। जो हेड पोर्शन होता है वो वाटर होता है उससे लव करता है, मतलब वाटर के साथ रह सकता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से हेट करता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। उसके बाद हम जो उसके फंक्शन है सेल के, सेल मेम्ब्रेन के, उनको पढ़ते हैं फंक्शन। जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेल का प्रोटेक्शन करना, जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका दूसरा जो फंक्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का कैसे, जो भी इसमें मटेरियल्स बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, उनको सेल के बाहर पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका जो थर्ड फंक्शंस पढ़ते हैं वो होता है लिमिटेशन ऑफ सेल। जो सेल है उसको लिमिट करता है, मतलब उसको जो इसका आउटर कवरिंग है उसके बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको हम जो पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल होता है उसको एनर्जी प्रदान करता है, उसको एटीपी के रूप में एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको देखते हैं। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और इसके अंदर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर, ठीक है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद में जो आउटर लेयर होती है वो होती है स्मूथ होती है, जो इनर लेयर होती है वो होती है रफ, ठीक है। उसके बाद में हम इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन भरा होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम, या एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद में हम जिसके फंक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी प्रदान करना, एनर्जी का इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स आता है उसको पढ़ते हैं, उसका नाम है जो वो न्यूक्लियस होता है अपना, जो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है उसको पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनल्स जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है,
देखते हैं हम। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। ये न्यूक्लियस है, इसका जो आउटर लेयर होगी ना वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, जो सेल होता है उस पर कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑन सेल। ठीक है, बस न्यूक्लियस में इतना ही, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं उसका नाम आता है राइबोसोम, राइबोसोम होता है जो सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनिल्स होता है, उसको राइबोसोम्स कहते हैं। और जो हमने पढ़ा था ना सेल है, इसमें जो छोटे छोटे मतलब दाने से होंगे उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होगी उसको राइबोसोम्स कहते हैं। फिर इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शन है इसका कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, उस इसके अंदर हम राइबोसोम्स में दो प्रकार के राइबोसोम्स पढ़ते हैं, पहला होता है 70S एंड दूसरा होता है 80S। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं उसका नाम आता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है जो सेल में जो वेन्यूल्स की बनी हुई होती है, गुच्छा सा होता है, उसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको पैकेज करते हैं। क्या है इसका फंक्शन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में जो एक फंक्शन हो रहा है इसका, जो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोसेस के दौरान बने हुए हैं उनको सेल के बाहर पहुंचाती है, ट्रांसफर सब्सटेंस अक्रॉस सेल, सेल के बाहर पहुंचाती है, जो प्रोसेस के दौरान जो सब्सटेंस बने उनको सेल के बाहर पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी एक वेन्यूल्स को बना हुआ गुच्छा सा होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट। ठीक है, और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्या हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद में जो आता है एसीआर वो स्मूथ होता है, स्मूथ इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होगा। ठीक है, और ये हेल्प करेगा लिपिड सिंथेसिस में।